हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ मिनिमलिस्ट के सनस्क्रीन PA++ प्लस एंड प्लस, एक ऐसे क्वालिटी का जो दोस्तों खास तौर पर जो है मल्टी विटामिन के साथ आती है और कोई किसी प्रकार का भी आपको वाइट कास्ट, वाइट को निशान है आपके स्किन पे नहीं छोड़ती है और काफ़ी अच्छी दोस्तों सनस्क्रीन मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, किस तरह से दोस्तों आपने इसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है हमारे फेस पर जो है सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है आपकी स्किन को काफ़ी हद तक डैमेज कर देती है, जिसके अंदर जो है आपको सनस्क्रीन लगाने के कारण जो है आपको काफ़ी सारे जो है इसे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके फेस पर जो है टैनिंग हो जाना, आपके फेस पर जो है अगर सूरज की रोशनी के कारण जो है लाइन्स बन जाना, फाइन लाइन्स जिसको बोलते हैं, उनको भी ये रोकती है। इसके अलावा जो है आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में ये काफ़ी बड़ा जो है रोल प्ले करती है। इसके अलावा जब आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो उसके बाद जो आपके फेस पे व्हाइट कास्ट छोड़ देती है, लेकिन सनस्क्रीन लगाने के बाद जो है आपको व्हाइट कास्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसी के अलावा जो है स्वेट प्रूफ होते हैं, स्वेट प्रूफ होने के कारण जो है जब आपको स्वेटिंग होती है तो दोस्तों वो सनस्क्रीन आपके फेस पे बनी रहती है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना इस टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बेनिफिट तभी मिल पाएंगे अगर आपको ये पता होगा कि आपको इसको लगाना कैसे है। अगर आप इसे सही तरीके से लगाएंगे तभी आपको इसके सभी फायदे मिल पाएंगे। दोस्तों, इसको लगाने का जो तरीका है दोस्तों वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपने जब बाहर जाना है, जब आपको सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाना है, उससे आपको पहले 30 मिनट पहले दोस्तों आपको इसको फेस पे लगानी है। और दोस्तों, उसके बाद जो है जब भी आप जो है अगर स्विमिंग करते हैं या फिर आपको ऐसा होता है कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा रीअप्लाई आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जो जब आप इसको लगातार जो है सन में जब भी कॉन्टैक्ट में जाएंगे, उससे पहले जब आप लगाने का रूटीन सेट कर लेंगे, तो आपको लगभग 1 से 1.5 महीने बाद जो आपकी स्किन के अंदर काफ़ी अच्छे दोस्तों आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन जो है स्मूथ दिखेगी, स्मूथ होने के साथ साथ जो आपकी स्किन जो है वाइटनिंग भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिससे आपको फेस के अंदर ग्लो काफ़ी बढ़ेगा। और आज के समय में अगर आपका फेस पे ग्लो है तो दोस्तों आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको जो है ये सनस्क्रीन किस तरह से लगानी चाहिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये रिव्यू तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।